राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे थे। यहां वे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। अरोड़ा इस संस्था के प्रदेश संरक्षक भी हैं। कटी घाटी स्थित एक निजी रिजोर्ट में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसमें समाज से जुड़े देश भर के गणमान्य पदाधिकारियों ने शिरकत की और पंजाबी समाज को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का एक दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन अलवर में एक रिजोर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाबी एकता को मजबूती प्रदान करने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने सहित राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग विकास निगम के चेयरमैन व संस्था के प्रदेश संरक्षक राजीव अरोड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर अरोड़ा ने कहा कि आज समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि पंजाबी समाज का एक बड़ा तबका अलवर में रहता है, इसलिए राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन अलवर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज अपनी एक अलग पहचान रखता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पंजाबी समाज के लोग पहुंचे हैं। बॉलीवुड से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में पंजाबी समाज ने मुकाम पाया है। पंजाबी समाज की एक अपनी अलग पहचान है, अपनी एक अलग संस्कृति है। देखिए, खुशी की बात यह है कि पूरे राजस्थान में जो पंजाबी समाज के लोग रहते हैं उनमें एक बहुत बड़ा तबका अलवर में भी रहता है जी। और अलवर में जो हमारी जो यूनिक है उनके अध्यक्ष हैं और रमेश कुमार तनेजा जी, उन्होंने सबको आमंत्रित कराया कि पंजाबी महासभा का अधिवेशन यहाँ पे हुए। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता जी, वो भी अम्बाला से यहाँ पे आए हैं। जब भी समाज के लोगों से मिलते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख की बात पूछते ही हैं, कोशिश भी करी जाती है कि समाज कैसे प्रगति करे। और आपको पता है कि पंजाबी समाज जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रगतिशील समाजों में से एक है, और जो उसका योगदान है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। देश में राष्ट्रपति से लेके सेना के प्रमुख और हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक पंजाबी समाज के लोग हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपना नाम कमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के बाद यहाँ पर आए थे और उसके बाद में उनने मेहनत करी, उन्होंने उनकी कईयों की जन्मभूमि थी, कईयों की जन्मभूमि नहीं थी, उन्होंने कर्म भूमि बनाया राजस्थान को, और राजस्थान के विकास में भी बहुत योगदान कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पंजाबी समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो समाज सेवा के साथ भी जुड़े। मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो रास्ते में एक जो संस्था है यहाँ पे हमारे पंजाबी समाज के साथ चलाते हैं नेक कमाई, उसके कार्यक्रम में भी मैं जाके आया और कन्यादान वहाँ पे हुआ और 3 महीने में 11 बच्चों की शादी उन्होंने करी है। तो जो पंजाबी समाज को ऐसे काम करने चाहिए जो अन्य समाजों के लिए उदाहरण बन सके, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, इस विषय में बात करेंगे कैसे इसको मजबूत कर सकें। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि एक दूसरे को जाने, हमारी जो संस्कृति है वो उसकी अलग पहचान होनी चाहिए। ये देश की खूबसूरती इसी में है कि विभिन्नता में एकता है। अलग अलग किस्म के फूल हैं जो एक गुलदस्ते में आ जाते हैं, तो पंजाबी समाज का भी एक ऐसा फूल है कि जो जिससे खुशबू फैलती है, जिसको साथ में रहना चाहिए, तो हम इस विषय में बातचीत करेंगे। संस्था के जिलाध्यक्ष रमेश आहूजा ने बताया कि इस अधिवेशन में प्रदेश संरक्षक राजीव अरोड़ा, राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जुनेजा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल ठक्कर, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर रमेश मदान, डॉक्टर एएस आर्य, महेंद्र लूथरा, दौलतराम हजरत आदि शामिल हुए। इस अधिवेशन में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मनन किया गया। साथ ही समाज में अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जिला स्तर पर निःशुल्क नेत्र जाँच व ऑपरेशन कैंप सहित मरणोपरांत देह दान और रक्तदान शिविर लगाए जाने पर चर्चा की गई। साथ ही धर्मशालाओं के निर्माण पर भी जोर दिया गया। हमारा जो राष्ट्रीय पंजाबी महासम्मेलन जो है, प्रांतीय जो अधिवेशन जो चल रहा है, वो हमारा सेम सब मुख्य लक्ष्य है कि पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनको पंजाबी समाज को एकत्रित करना। और दूसरा, हमारा जो राजनीतिक में जो हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं वो हम उनको एक लेकर के हम उनको अपनी जो है समस्याएँ हैं
वो सरकार को अवगत कर रहे हैं। दूसरा, अभी तक हमने आज तक सरकार से कोई भी चीज़ मांग नहीं करी। हमारा निवेदन है कि जो राजस्थान में अभी जो चार राज्यसभा के चुनाव हैं, हम संगठित होकर के हम एक राज्यसभा में अपना स्थान टिकट मांगने की डिमांड करेंगे। और हमारे यहाँ सभी जातियों के आयोग गठित हैं, हमारे पंजाबी समाज का आज तक कोई आयोग गठित नहीं है। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि हमारा पंजाबी समाज का जो विकास हेतु त्रिखड़ता आयोग के हेतु जय आयोग गठित की जाए। ये हमारा मेन मुख्य मुद्दा है। और दूसरा, जो ओबीसी के तहत भी हम चाहते हैं कि सभी लोग उसमें आ रहे हैं, और राजस्थान में सबसे बड़ी जो है हमारे को इसकी कोई सुविधा नहीं मिल रही, और वो हमारा जो है हमें चाहते हैं कि सरकार को हमारा ये ओबीसी में जो है हमारे को दिया जाए। हमारा मेन मकसद लक्ष्य जो है वो समाज को एकत्रित करने का है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने राजीव अरोड़ा को लघु उद्योग निगम के चेयरमैन बनाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं समाज को राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थान मिले, तभी हम समाज का भला कर पाएंगे। समाज हमेशा देश के लिए शहादत में कभी पीछे नहीं रहा। पंजाबी ने देश भी हिंदू रखा और धर्म भी हिंदू रखा है। आज मैं सबसे पहले तो आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राजस्थान प्रदेश के पैटर्न है उनको चेयरमैन मनोनीत किया है, तो हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो सवाल आपने किया है, उस सवाल के लिए हमने नेशनल बॉडी है हमारी जो आज राष्ट्रीय पंजाबी महासभा है, हमारा प्रयास ये जितनी जितनी छोटी छोटी सभाएं छोटी छोटी जगह पे काम कर रही हैं उनको सबको साथ मिला के डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति, अगर राजनीतिक ताकत हमारे पास है तभी हम अपनी कौम का भला कर सकते हैं। और कौम का भला करने के लिए हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं, हमारा प्रयास यही है। हमने दिल्ली में काम किया, हमने हिमाचल में काम किया, हमने यूपी में काम किया, हमने पंजाब में काम किया, चंडीगढ़ में किया, राजस्थान में कर रहे हैं और राजस्थान से आगे बिहार में काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम दिल्ली में करें जिसमें तमाम हिंदुस्तान से पंजाबी को इकट्ठा करें। ऐसे ही हम मार्च के एंड में एक बहुत बड़ा सम्मेलन राजस्थान में भी करेंगे जिसे पूरी स्टेट से हम लोगों को बुला के और डेमोक्रेसी सरकार को हम ये कहेंगे कि हम लोग इकट्ठे हैं, आप हमारा मान सम्मान करिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। क्योंकि राजनीति ताकत तभी आएगी यदि लोग हम लोग इकट्ठे होंगे। आज हमारा इकट्ठे होने का पर्पस यही है कि अपनी कौम को इकट्ठा करें। इस कौम ने हमेशा से, जैसे जुनेजा जी ने कहा, कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। इस कौम ने अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आज तक किसी भी सरकार से हमें कोई फ्रीडम फाइटर का या कोई पेंशन या कोई किसी तरह का कोई हमें वो इनाम नहीं मिला, ना को किसी तरह की कोई रिकॉग्निशन मिली है। हाँ, एक बात जरूर है, जो आज हमारी मेहनत है और हम फख्र से कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, पंजाबी नाम भी हमें यहाँ के लोगों ने दे दिया। हालांकि पंजाबी कोई नाम या कास्ट नहीं है, लेकिन अब सब लोग हमें एक नया नाम मिल गया है कि हम पंजाबी हैं। हम पंजाबी हैं तो हमारा एक कल्चर है, हमारा एक विरासत है और हमारे पास एक बहुत बड़ा इतिहास है कि हम 10 गुरुओं का इतिहास हमारे फोर फादर्स हैं। मैं तो गर्व से कहता हूँ और उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि मुझे ऐसी कौम में जन्म दिया है जिस कौम का बहुत बड़ा इतिहास है। देश और धर्म की खातिर 12,00,000 लोगों ने शहादत दी है, किसी ने कोई इनाम की बात नहीं करी, देश बिंदु रखा और धर्म बिंदु रखा। इस मौके पर समाज को राजनीतिक स्तर पर पकड़ मजबूत करने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर रमेश मदान ने कहा कि संस्था ने 18 स्टेट में 5450 पदाधिकारी बनाए हैं, साथ ही 13 स्टेट की 140 संसदीय सीटों पर समाज प्रभाव रखता है, लेकिन फिर भी उस स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व अभी समाज को नहीं मिल पा रहा। यदि हम भारत के पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक राजनीति की बात करें, जैसा कि जुनेजा साहब ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उसी स्तर पे हम इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पिछले 70 वर्षों से, क्योंकि कई प्रकार से ऐसी परिस्थितियां थी, बिना इतिहास के पन्नों को पलटे हम कुछ नहीं कह सकते। इतिहास और वर्तमान परिस्थिति को यदि हम देखते हैं तो आज के दिन, जैसा कि हमने डाटा इकट्ठा किया, जैसा इन्होंने बताया है, 5450 के लगभग हम पदाधिकारी बना चुके हैं 18 स्टेटों में, और 13 स्टेटों में हमारे पंजाबी समुदाय, जो पंजाबी लीगेसी चल रही है, पंजाबियत चल रही है, 140 पार्लियामेंट सीटों में हमारा बहुत बड़ा अहम रोल है। नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया के अंदर 140 पार्लियामेंट सीट में वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर, और हमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। हमने 23 नवंबर को
लगातार सारे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन ड्यू रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड बनाए जाने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लाइटेशन हुआ है उनकी ज़मीनें दी जानी चाहिए, और बिना पावर के होगा नहीं पॉलिटिकल पावर। अरस्तु ने भी कहा था कि जब तक आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक्टिविटीज़ हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एजेंडा लेके चल रहे हैं, विजनरी अप्रोच लेके चल रहे हैं, मिशनरी झील इनके नेतृत्व में लेके चल रहे हैं ताकि हम एडवोकेसी कर सकें, एम्बेसडर बना सकें अपनी कम्युनिटी के सब लोगों को। और 2024 का इलेक्शंस में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पंजाबी समाज का बहुत बड़ा रोल होगा, और 50 पार्लियामेंट सीट बिना पंजाबी समाज के 545 में से नहीं जीती जा सकती। जैसा हरियाणा में मान लीजिए 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर पंजाबियों को आज तक क्या मिला? आप पूरा रिकॉर्ड उठाइए, 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 25 की 25 पार्लियामेंट सीट उठाइए, 200 विधानसभा सीटें उठाइए। तो ये कि छोटा सा आपको इनाम दे दिया ये नहीं चलेगा। हमारी कम्युनिटी अब अपने राइट के लिए, जैसे सारी कम्युनिटीज लड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट फॉर कनेक्टिंग द कम्युनिटी एंड एम्पावरिंग आवर कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। वक्ताओं ने कहा कि आज देश भर में पंजाबी समाज की मजबूत पकड़ होने के बावजूद राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। हमें एकजुटता के साथ अपनी मांग राजनीतिक दलों के समक्ष रखनी चाहिए। हमारी इस संस्था का मकसद, अशोक मेहता जी ने जब इसको 2009 में शुरू किया था तो एक मकसद के साथ शुरू किया था कि हम पंजाबी संस्कृति को, पंजाबी विरासत को जो कि लुप्त होती जा रही है उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे, और उसी काम पर हम लगे हुए हैं। सारे पंजाबी समाज को एकजुट कर रहे हैं, एक झंडे के नीचे ला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम राजस्थान के अलवर में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमने राजस्थान का प्रांतीय सत्र का अधिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें सभी आए हुए पंजाबी भाइयों को, बहनों को हम उनकी इकट्ठे होने की उस खबर करेंगे और इकट्ठे करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने जो राजस्थान में किया है इकट्ठे करने का काम, उसके अंदर हमारे पास लगभग राजस्थान से 2500-3000 मेंबर जुड़ चुके हैं, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 31 मार्च तक राजस्थान से कम 25,000 लोगों को साथ जोड़ेंगे 31 मार्च तक। ये हम उद्देश्य लेकर आज यहाँ पर आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि हमारे समाज को इकट्ठे होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसने देश को हमेशा दिशा दी है, हमेशा देश को नेतृत्व दिया और हमेशा कुर्बानियां दी हैं। अकेली ऐसा ये समाज है सारे हिंदुस्तान में जो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव है, बिल्कुल ख़त्म होने के बाद जो उठा, किसी और समाज का आप नाम लें कल्पना ही नहीं कर सकते। ये तो उस पक्षी की तरह है जिसको शेक्सपियर ने अपने नावल्स में या होमर के समय से, यानी यूनानी साहित्य में उसकी चर्चा है, फिनिक्स बोलते हैं। ऐसा पक्षी जो मर जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, राख से फिर दोबारा पक्षी बन जाता है, रिजुविनेट। यानी हम 10 लाख लोगों को मरवा कर आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए, और लोगों की हमारी अपनी वजह से कुछ नहीं, हम तो वहाँ 500 साल से थे या 1000 सालों से थे, तो राजनीतिज्ञों ने लाइन खींची ना, ये पाकिस्तान बनेगा, ये हिंदुस्तान बनेगा। हम तो पहले भी पंजाब में थे, आज भी पंजाब में। एक ऐसा समाज है जिसमें सारा हिंदुस्तान, इस टाइम आपके 5 स्टेट्स में इलेक्शन भी चल रहे हैं, उससे भी मैं जोड़ता हूँ, राजनीति जो है सारी की सारी जातिगत राजनीति, वोट भी जातिगत हैं, उम्मीदवार भी जातिगत खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं, हम एक जाति हैं जिसको बोलते हैं पंजाबी, जबकि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषाई ग्रुप है। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भाई भी हैं, परंतु हम अपने आप को ये चीज़ों से आज़ाद कर चुके हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। यह मंचासीन अतिथियों का साफा बांधकर वे बैज लगाकर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश नागपाल ने किया था। साथ ही इस मौके पर रोशनलाल बख्शी, हरिकिशन खत्री, कुलदीप खाकर, महिला विंग से डॉक्टर विनीता डावर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम गांधी, कुलदीप कालरा, अजय सहगल, अशोक तनेजा, ओम प्रकाश कुकरेजा, एडवोकेट अशोक शर्मा, सतीश भाटिया, डॉक्टर जी डी मेहंदीरता और एडवोकेट पंकज मल्होत्रा आदि मौजूद रहे।